उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 4 दिवसीय लंदन के दौरे से वापस लौट आए हैं। उनका ये ब्रिटेन का दौरा बेहद ही खास और सफल रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम धामी को इस दौरे में 12,000 करोड़ के निवेश की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने यहाँ कई बड़ी कंपनियों के साथ में MOU साइन किए हैं। वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए दिल्ली से लंदन तक धामी सरकार ने अब तक 19,600 करोड़ का निवेश जुटा लिया है। लंदन से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और निवेश के प्रति लोगों का बहुत ही सकारात्मक रुख देखने को मिला है। और इसी का परिणाम है कि अपनी लंदन यात्रा के दौरान उन्होंने निवेश में कई करारों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसकी जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी वे लोग भी वहां पर उनसे मिलने आ रहे थे और निवेश को लेकर चर्चाएं कर रहे थे। आइए सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। स्थानों पर जाएं, उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेशों पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर क्योंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही अभी मैंने एक चीज़ और महसूस की कि इन सभी लोगों के साथ हमारा लगातार संवाद होता रहे, लगातार हम इन सब के साथ जुड़े रहें। उसके लिए कहीं ना कहीं अप्रवासी जो भाई बहन हैं उन सब के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए और निवेश प्रस्ताव से संबंधित सभी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़े, किसी को परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। कई बार विदेश के लोग जो राज्य से हमारे देश से दुनिया में अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से एक मुकाम हासिल करके बहुत सारा काम कर रहे हैं और वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो उनको कई बार रास्ता नहीं मिलता कि वो किस रास्ते से आए। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड में हम मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल भी बनाएंगे जो इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगा। इनकी कोई शंका समाधान होगा तो उन सभी पर उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगा। सिंगल विंडो